हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस आलू की टिक्की की चाट की रेसिपी, और वो भी जिसे आप फास्टिंग में खा सकें। तो हो गई ना मज़ेदार रेसिपी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाना बहुत ही आसान है, नॉर्मल इंग्रेडिएंट से बन जाती है, इतनी टेस्टी होती है कि आपको फास्टिंग में इसे खा के मज़ा ही आ जाएगा, आप एकदम रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो आइए फटाफट इसे बनाते हैं। तो आलू की टिक्की बनाने के लिए या कोई भी चाट बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये हरी चटनी है, तो ये फास्टिंग में खाई जाती है आराम से, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं। और ये इमली की चटनी है, तो अगर आप इमली नहीं खाते हैं तो आप इसे अमचूर से या अनारदाने से, जो भी आप खाते हैं उस चीज़ से आप बना सकते हैं। सेम प्रिपरेशन है, बस इमली की जगह आपको अनारदाना या अमचूर ऐड करना है इसमें। और ये है दही, तो एकदम फ्रेश दही हमें लेना है। और चलिए इसका दही भी अब हम तैयार कर लेते हैं। तो दही में हमें सिर्फ क्या डालना है, अपने स्वाद के हिसाब से चीनी। तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल शक्कर, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, एकदम स्मूथ हम इसे कर लेंगे। ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है, आप चाहें तो इसे बीटर से भी बीट कर सकते हैं। और ये तैयारी हमारी हो गई है चाट के लिए, और चलिए अब बनाते हैं टिक्कियाँ। तो टिक्की बनाने के लिए देखिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इन्हें बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। ध्यान रहे कि इसमें बिल्कुल भी गांठे ना रहें आलू की। और देखिए एकदम स्मूथ ये हो गया है तैयार। तो आलू हमारे मैश हो गए हैं, अब हम इसमें ये 2 टेबल स्पून कुटू का आटा है वो हम ऐड कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए। ये नॉर्मल जो कुटू का आटा होता है वही है ये। और इसके साथ में मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, तो मैंने 2 हरी मिर्ची इसमें ऐड की है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा हरी मिर्ची कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड किया है मैंने इसमें, और अब हम इसमें व्रत वाला जो नमक है सेंधा नमक वो ऐड कर रहे हैं, तो स्वाद के हिसाब से। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए टिक्की के लिए हमारा एकदम बढ़िया आलू का भरता तैयार हो गया है। अगर आपको लगे कभी कि इससे टिक्कियाँ नहीं बन पा रही हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, फिर वो आलू की टिक्की का मज़ा नहीं आता है। और हाथों को हल्का मैंने ग्रीस कर लिया है, तो इस तरीके से हम टिक्की की शेप दे देंगे इसे। और ये देखिए ऑस्कर लगातार मेरे पास रहता है, ये भी सारी रेसिपी सीख रहा है। तो ये लीजिए, इस तरीके से हम सारी टिक्कियाँ अपनी मनपसंद साइज में तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे टिक्कियाँ सारी बन गई हैं। टिक्कियों को फ्राई करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये हमें जीरा है तो हम जीरे को रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि टिक्की में रोस्टेड जीरे पाउडर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो गया है, तो हम जीरे को रोस्ट कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे। जीरा रोस्ट हो गया है, तो अब हम इसे दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे तो ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना इस तरीके से कूटा हुआ जीरा अलग ही स्वाद का लगता है। तो देखिए सबके फास्टिंग रखने का ना तरीका अलग होता है, कितने लोग हैं जीरा नहीं खाते, कितने लोग अदरक नहीं खाते, कितने लोग तो टमाटर भी नहीं खाते हैं। तो आप जो चीज़ भी खाते हैं वो आप अपनी सब्जियों में, फलाहारी रेसिपीज़ में ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं खाते हैं आप उन्हें स्किप कर दीजिए। तो अब इसी पैन में मैं ये ऑयल ऐड कर रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये मैं वेजिटेबल ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। तो हम इसे थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम सारी टिक्कीज़ को फ्राई कर लेंगे कुरकुरा होने तक। इसमें हमें कूटू का ही आटा ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो सिंघाड़े का आटा होता है उसकी वजह से क्या होता है, कई बारी वो क्रंच नहीं आता है, जो क्रिस्पीनेस होती है ना टिक्कियों की, तो वो नहीं आती है। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं इसे कूटू के आटे में ही बनाऊँ। और इसको चलिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं।
ये टिक्कियाँ हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है, तो जिससे ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। आपने देखा होगा जब चाट जहाँ बनाते हैं ठेले पर, तो कैसे उनका बड़ा सा तवा होता है, एकदम धीरे धीरे ये टिक्कियाँ सिकती रहती हैं। ये देखिए कितना अच्छा इस पर क्रिस्प आ रहा है, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो। बस बाकी की सारी टिक्कियाँ भी हम इस तरीके से चेक करते जाएंगे, जो ज़्यादा सिक जाएगी साइड में कर लेंगे, जो कम सिकी है उसको सेंटर में कर लेंगे। तो बस ये टिक्कियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं, टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सोख हो जाए। तो लीजिए सारी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं, और अब चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो चलिए बढ़िया सी प्लेटिंग करते हैं, अपने स्वाद के हिसाब से हर चीज़ जो भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही, ऊपर से हरी चटनी, तो जितनी आपको पसंद है अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी, देखिए कितनी ज़्यादा डिलीशियस ये लग रही है, आप इसे फास्ट में खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। साथ में हम ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक, क्योंकि नमक हमने दही में ऐड नहीं किया है लेकिन चटनियों में है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर से हरा धनिया, अगर आप व्रत में अनार खाते हैं तो इस वक्त अनार भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये है अदरक के बारीक लच्छे कटे हुए। तो बन गई है हमारी डिलीशियस चटनी। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई हूँ, ये है काली मिर्च का पाउडर, इसको और स्पाइस देने के लिए, और जो हमने ये जीरा तैयार किया था भुना हुआ, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए हमारी डिलीशियस फलाहारी टिक्की वाली चाट बनके तैयार है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो कर लें ताकि लेटेस्ट रेसिपी आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ।